लॉक समझ लो यार, इतने दिनों बाद कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि क्या 3-4 साल हो गए मैंने अभी तक व्लॉग ही नहीं किया। तो हाँ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप इसकी हालत भी देख सकते हो यार, देखो मुझे इसकी पूरी नाश्ता कर लिया। आपको मैं अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने कल बनाया था, ऐसे ही जो दिवाली के लिए बनाते रहते। ये है यम्मी यम्मी सेव जो मम्मी ने बनाई है, तो और ये है मम्मी ने बनाया हुआ चिवड़ा। ये है सेव। गाइस अभी मैं जस्ट बाहर गई थी और मैंने ये लाया है, ये लाया मेरी फेवरेट चॉकलेट। गाइस ये मैं देख रही हूँ और ये खा रही हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, अभी दिवाली को एक दिन है, मतलब कल दिवाली है, तो अभी हम जस्ट बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ बस बाहर जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले, बट दिखा दूंगी मैं आपको क्या करते हैं। तो गाइस हम कभी से घूम रहे हैं, बट क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब मिला था बट अभी हमने एक तो पैसे नहीं लाए थे, पापा ऑनलाइन पे करने वाले थे, बट ऐसा कहा हम रंगोली वगैरह लिए, उनके पास नहीं होता है, तो अभी एटीएम आए हैं थोड़ा सा पैसे निकालने के लिए। तो अभी क्या है ना, अभी हमने मैंने ना बर्गर भी खाया था, बट ना मैं ब्लॉगर नहीं हूँ यार, मैं भूल जाती हूँ क्या करना है या क्या नहीं। बट अभी हम और एक खा रहे हैं, मतलब मैंने वड़ा पाव भी खाया था, मैंने बर्गर भी खाया था। एक होटल में आई हूँ जहाँ पर मुझे मेरे हक्का नूडल्स ऑर्डर करने। वाओ गाइस कितनी अच्छी प्लेट है। मुझे अब याद आया कि हमें ब्लॉग करना है, और अब मैं खा रही हूँ दाल दाल का दाल खिचड़ा। गाइस आपको लग रहा होगा कितना खाऊंगी, हाँ मैं भूखड़ हूँ, मुझे पता है। वैसे आज दिवाली का डे है, लाइटिंग में लगा के दिखा दूं। तो गाइस व्लॉगर ओपी चैट में कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि मैं व्लॉग करूं फिर। और वैसे आप बोल रहे थे इतना दिवाली व्लॉग चाहिए, तो आप मेरा पहले आउटफिट ही देख लो। हाउ इज दिस इंडो वेस्टर्न लुक गाइस। ये देखो गाइस ये मैंने बनाया था, अभी हम इसको हमारे दार पर लगा रहे, दरवाजे पर लगा रहे हैं। हमने वो तोरण, मराठी में तोरण बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी लगा दिया है। और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, 11 ही बज रहे हैं सिर्फ। विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने जल्दी उठ गई, पता है। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली गाइस। अभी मैं उठ गई हूँ, मतलब थोड़ी देर हो गई। अभी कितने बजे है? अभी बजे 2:30। तो अभी मैं जा रही हूँ रंगोली निकालने के लिए। वैसे हर बार मैं ही निकालती हूँ गाइस, मेरे बाल देखो ना कितने अच्छे लग रहे। सो लेट्स गो। सीरियसली गाइस देखो मैंने निकाली है, मैंने कितनी सुंदर है ना, बताओ मुझे अच्छी है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही। ये करने वाली हूँ आज, और मैंने फर्स्ट टाइम गाइस फॉल्स लैशेस लिए है। मुझे देखना होगा कि कैसे लग रहा है, मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कितना प्रो मेकअप करती हूँ। आजकल मुझे खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा है, पता नहीं क्यों, मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का दिन मतलब मेरा बहुत ज्यादा अच्छा गया है। और कमेंट्स में गाइस वो दिए वाला इमोजी होता है ना, वो ऐसे मतलब डाल दो, मतलब बहुत ज्यादा डाल दो। ये देखो गाइस फर्स्ट टाइम मैंने लैशेस लगाया, मुझे थोड़ा सा मतलब और ज्यादा अच्छे लगते हैं यार, मुझे उतना लगाना के नहीं आया और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट कुछ नहीं, स्टाइल मारने के लिए तो चलता है। और ये देखो वैसे मेरा ड्रेस मैंने ये लिया था, फर्स्ट ऑन टाइम इन लाइफ cuz आनी नानी नानी। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे खाना इतना पसंद है, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा पता नहीं मुझे इतना पसंद क्यों है, बट हाँ ये देखो ये वाला। देखो गाइस हमने सिर्फ एक ही लाइन है, बस इतना ही।
रोज कितना जोर जोर से चल रहा है, मैंने तो सिर्फ एक इतना पैकेट लाया है बस, बाकी कुछ भी नहीं लाया, बस सुसली फोड़ो और मजा करो, खाओ पियो ऐश करो, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। सी गाइस, मेरी मम्मी की पुरन पोड़ी कैसी टुम टुम फूक रही है। ये देखो मास्टर शेफ ओपी और वाह वाह कितनी भारी फुगली। और यहाँ पर बन रहे हैं ये, यहाँ पर ये पकोड़े जिसे मराठी में हम भजे बोलते हैं, और बस ये रोटी और कुछ नहीं बनाया है, नहीं मतलब बहुत कुछ। हाँ ये इसका है ना आंटी आंटी और गाइस अनि पापा मना दे मम्मी और देखो गाइस मेरी मम्मी भी कितनी अच्छी लग रही है और मैं भी कितनी अच्छी लग रही हूँ। जय माता चिल्लर साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। व्हाट्स अप गाइस कैसे सब लोग। बैन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड।